गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुमति। वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज जो डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट है करिकुलम रिफॉर्म्स इन स्कूल मैथमेटिक्स। ये जो पॉइंट है आपका यूनिट वन का लास्ट बिट है, और ये जो करिकुलम रिफॉर्म्स इन स्कूल मैथमेटिक्स है बहुत ही लेंदी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लाइक यू गेट हियर ओनली थ्योरिटिकल, सो इट मे बी और लॉन्ग, और इट यू मे गेट बोर। सो अगर बोर तो हो गए आप लोग, फिर भी एक बार रीडिंग मार लेते हैं, देखते हैं क्या है। प्योरी थ्योरिटिकल है तो इसको मैं पार्ट वन पार्ट टू करके दो वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये जो है फर्स्ट वीडियो है, तो लेट्स सी। जो अगर क्वेश्चन आएगा कि करिकुलम रिफॉर्म्स इन स्कूल मैथमेटिक्स, तो आपको यहाँ पर ये सारे चीज लिखना है कि उसका जो आपका जो सिलेबस में ऑब्जेक्टिव है प्रिंसिपल से, तो इसीलिए मैं इसको डिवाइड की हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल एजुकेशन, बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल एजुकेशन इसीलिए मैं दी हूँ क्योंकि जो करिकुलम रिफॉर्म है, जैसे कि करिकुलम रिफॉर्म जो होता है, जो चेंजेस होता है करिकुलम का, तो क्यों करिकुलम का चेंजेस हुआ, मैथमेटिक्स पहले से क्या था अभी क्या है, तो इसके लिए जैसे कि आप बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन यू कैन गिव हियर, लाइक बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिकल इन स्कूल एजुकेशन, देन प्रिंसिपल्स फॉर स्कूल मैथमेटिक्स, करिकुलम रिफॉर्म बाय आरटी एक्ट, करिकुलम रिफॉर्म बाय एनसीएफ 2005। ओके, सो लेट्स सी। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि करिकुलम रिफॉर्म जो है उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि ये टर्म बोल रहा है करिकुलम रिफॉर्म, मतलब करिकुलम जो है उसको रिफॉर्म करना, मतलब ऑलरेडी फॉर्म होके है उसको हम चेंज करेंगे और कुछ एडिट करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, तो रिफॉर्म बोलते हैं उसे, मतलब फिर से फॉर्म करना। तो लेट्स सी, मैथमेटिक्स करिकुलम व्हिच इज ऑफन ए फोकस इन एजुकेशन रिफॉर्म्स हैज नॉट रिसीव्ड एक्सटेंसिव रिसर्च अटेंशन अनटिल रिसेंटली। ongoing mathematics curriculum changes in many education systems call for further research and sharing of effective curriculum principles and practices that can help lead to the improvement of school education. करिकुलम रिफॉर्म ये बोला कि मैथमेटिक्स करिकुलम जो है वो अभी तक भी एजुकेशन फील्ड में इतना फोकस नहीं दिया है, और ये जो उस लेवल तक नहीं गया है कि रिसर्च का उस लेवल का अटेंशन उसको नहीं मिला है। तो ये जो मैथमेटिक्स करिकुलम का चेंजेस होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको फर्दर रिसर्च, फर्दर अटेंशन चाहिए, फर्दर चेंजेस चाहिए फॉर मेकिंग इफेक्टिव करिकुलम। सो जो करिकुलम रिफॉर्म होता है उसको जो पोजीशन में वो है उसको चेंज करने के लिए, फॉर मेकिंग इफेक्टिव न्यू, उसको हम बोलते हैं करिकुलम रिफॉर्म। सो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू मेक सेंस ऑफ न्यू मैथमेटिकल आइडियाज थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड प्रोजेक्ट्स ऑफन इन रियल कॉन्टेक्स्ट। जो भी मैथमेटिकल आइडियाज है उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्रोजेक्ट्स होता है, एक्सप्लोरेशन हम बोल सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग हियर, जो प्रैक्टिकल थिंग्स होता है मैथमेटिक्स का, उसके सेंस ऑफ जो होता है बच्चों का जो सेंस मैथमेटिक्स में उसको डेवलप करना, टू एम्फसाइज रिटिन एंड वर्बल कम्युनिकेशन वर्किंग इन कोऑपरेटिव ग्रुप्स मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड कनेक्शंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशंस। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल हुआ, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, लाइक थियोरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, टेक्स्ट बुक और रियल लाइफ का सिचुएशन में जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है उसको एम्फसाइज करना, टू स्टिमुलेट आइडियाज एंड ऑनगोइंग कन्वर्सेशन, जो भी कन्वर्सेशन होता है, आइडियाज होता है, उसको स्टिमुलेट करना रिगार्डिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, टू अपडेट द इनोवेशंस इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। जैसे कि करिकुलम जब रिफॉर्म सॉरी करिकुलम जब भी हम फॉर्म तैयार करते हैं तो हम उसको विजिट नहीं करते हैं बहुत साल तक सपोज, तो उसी बहुत साल के अंदर जो इनोवेशन इनोवेटिव क्रिएट हो गया, कुछ नया चीज आ गया, तो उसके बारे में बच्चे को वो एक गैप रह जाता है, बच्चे को पता नहीं चलता है। तो अगर रिफॉर्म करेंगे तो क्या न्यू इनोवेशन है उसको हम ऐड कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये था चारों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम रिफॉर्म्स। लेट्स सी बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल एजुकेशन। जो बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स है, जो स्कूल एजुकेशन हमारा है, उसमें मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड क्या है, मतलब प्रीवियसली क्या था, क्या सब्जेक्ट था और अभी क्या है। तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड की हूँ, जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। सो लेट्स सी व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। सिंस प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, मैथमेटिक्स वाज ए मेजर कोर सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन। बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या होता था, मैथमेटिक्स एक कोर सब्जेक्ट था स्कूल एजुकेशन का। एंड जो ब्रिटिश लोग जब इंडिया को आने से पहले, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डिफरेंट कैटेगरीज था मैथमेटिक्स का। एट दैट पीरियड ऑल्सो ए लिटिल अमाउंट ऑफ एरिथमेटिक्स, मनी ट्रांजेक्शन, ए नॉलेज ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट एंड फिगर्स, मेजरमेंट्स, जमींदारी, अकाउंट्स वेयर देयर इन दोज डेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। वही दैट टाइम प्री इंडिपेंडेंस टाइम में क्या हो रहा था कि एरिथमेटिक यूज हो रहा था, जैसे कि मनी ट्रांजेक्शन हो गया, या फिर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो गया, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट हुआ, जमींदारी था उस टाइम में, जो लैंड को लेके जो होता था, जो मनी ट्रांसफर होता था वो हो गया। ये सब प्री इंडिपेंडेंस टाइम में आज एरिथमेटिक यूज हो रहा था। After coming British in 1826, the traditional system soon made away and British system of schooling started in three stages, primary, middle and high schools, and took up measures for the promotion of the indigenous system of education. British के बाद 1826 में क्या हुआ, जो traditional system था वो अलग तरह से मेड हुआ, अलग तरह से चेंज हुआ, जैसे कि थ्री टाइप्स का स्टेजेस हो गया, प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल। The curriculum in that period of mathematics was consist of following. जो थ्री स्टेजेस हुआ था, प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल, उसमें करिकुलम कैसा था। एट लोअर प्राइमरी लेवल अरिथमेटिक रूटीन एंड मेंटल अरिथमेटिक, अरिथमेटिक था एंड मेंटल अरिथमेटिक था। बाजार एंड जमींदारी, अकाउंट्स एंड सिंपल मेंसुरेशन भी था। लोअर प्राइमरी में ये दो सब्जेक्ट, दो टॉपिक था, जैसे कि अरिथमेटिक था एंड अकाउंट्स का, जो जमींदारी एंड बाजार का अकाउंट्स था, उसे जो मेंसुरेशन हम बोलते हैं वो था। एंड एट मिडिल स्कूल, एमी लेवल जो हम बोलते हैं, उसमें क्या था करिकुलम, अरिथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ सर्विंग, बाजार एंड जमींदारी अकाउंट्स, हैंडलिंग ऑफ मनी मैटर्स, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स लिखा है, ये जो क्या क्या था प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, जो एजुकेशन सिस्टम को थ्री टाइप्स में वो डिवाइड किए थे, जैसे कि प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल। एंड ये बोल रहा है कि प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल में क्या क्या टॉपिक था मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस के बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या हुआ था, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वॉज पास इन 1947 फॉर द सेकेंड टाइम टू इंट्रोड्यूस फ्री, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इन ग्रेडेड स्टेज फॉर द चिल्ड्रेन अप टू द एज 6 to 18 ईयर्स। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो प्राइमरी एजुकेशन एक्ट था वो 1947 में पास हुआ था। एंड वो ये था कि 6 to 11 ईयर्स का जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री या कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन। देन द बेसिक एजुकेशन एक्ट केम इन 1954। द करिकुलम फॉर प्राइमरी लेवल वॉज कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक, मेंटल अरिथमेटिक, अकाउंट्स, जमा खर्च, इसको बोलते हैं सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, रीडिंग ऑफ क्लॉक। जो बेसिक एजुकेशन एक्ट, उसके बाद जैसे कि हम बोले कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट जो एक्ट आया था 6 to 11 ईयर्स बच्चे का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का था। उसके बाद एक एक्ट आया जिसका नाम था एजुकेशन एक्ट, वो आया 1954 में। एंड उसमें क्या हुआ, द करिकुलम जो था प्राइमरी लेवल का वो ये टॉपिक मैथमेटिक्स का ये टॉपिक रखा था वहाँ पर, जैसे कि अरिथमेटिक था, मेंटल अरिथमेटिक था, अकाउंट्स था, जमा खर्च जो बोलते हैं हम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर था, एंड क्लॉक मैथमेटिक्स जो होता है क्लॉक लेके वो था। द करिकुलम वॉज ऑलमोस्ट सेम इन द प्राइमरी स्कूल्स एंड इन बेसिक स्कूल्स। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट बेसिक स्कूल्स फॉलोड अ डिफरेंट मेथड, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग।
The school subjects were taught through craft in basic school. For the teacher, it was being difficult to teach all subject class through craft even for the trained teachers. ये बोला कि करिकुलम बेसिक स्कूल और प्राइमरी स्कूल का मैक्सिमम सेम था. ओनली डिफरेंस ये था कि प्राइमरी स्कूल सॉरी बेसिक स्कूल जो होता था वो लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल फॉलो करता था. जैसे कि वो बेसिक स्कूल में क्राफ्ट के द्वारा पढ़ाया जाता था एंड क्राफ्ट जो बोलते हैं हम प्रैक्टिकल यूज. सो बट जो ट्रेन टीचर होते थे वो डिफिकल्ट फेस करते थे क्योंकि क्राफ्ट के द्वारा हम सब सब्जेक्ट को हर सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं सकते थे. तो इसीलिए जो ट्रेन टीचर थे वो डिफिकल्ट फेस करते थे. द मेजर रिफॉर्म इन करिकुलम फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन केम आफ्टर नेशनल पॉलिसी ऑफ स्कूल एजुकेशन 1968 एज पर द रिपोर्ट ऑफ द कोथरी कमीशन. जो करिकुलम रिफॉर्म का जो मेजर रिपोर्ट है वो कोथरी कमीशन का जो नेशनल पॉलिसी स्कूल एजुकेशन 1968 पे हुआ था जो कि कोथरी कमीशन के रिपोर्ट के थ्रू से. And a common curriculum for class I to X was prepared at national level for adoption by all the states in the country with adjustments according to local need. Then the 10 plus 2 plus 3 pattern was adopted in the country. कोथरी कमीशन जब आया उसके हिसाब से जो क्लास 1 से 9 तक जो नेशनल लेवल तक जो प्रिपरेशन था करिकुलम था वो स्टेट हुआ इसमें. एंड जो एजुकेशन सिस्टम को एक नया पैटर्न दिया गया जैसे कि 10 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 10th 1 से क्लास 10th देन प्लस 2 जो बोलते हैं हम जैसे इंटरमीडिएट क्लास देन प्लस 3 ईयर डिग्री पैटर्न था. सो अगर क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कमीशन ये पैटर्न दिया है कि 10 प्लस 2 प्लस 3 वो आपका आंसर होगा कोथरी कमीशन. नेक्स्ट पॉइंट मैथमेटिक्स एंड साइंस वॉज मेड कंपल्सरी कोर सब्जेक्ट एट मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज. मैथमेटिक्स एंड साइंस वेयर ग्रेटर स्ट्रेस्ड अकॉर्डिंगली जनरल मैथमेटिक्स वॉज कंपल्सरी सब्जेक्ट अप टू क्लास एक्स एंड एट सेकेंडरी लेवल एंड एडवांस मैथमेटिक्स वॉज देयर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट. जैसे कि ये पॉइंट बोला कि मैथमेटिक्स साइंस जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट था मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज पे. एंड जो मैथमेटिक्स साइंस था जो जनरल मैथमेटिक्स के हिसाब से ये कंपल्सरी सब्जेक्ट था क्लास एक्स तक मतलब 10th तक एंड सेकेंडरी लेवल. एंड जो एडवांस मैथमेटिक्स था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था. एज पर 1986 पॉलिसी दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 अप टू ए गिवन लेवल ऑल स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड लोकेशन और सेक्स हैव एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ कंपेरेबली क्वालिटी. क्वालिटी इन एजुकेशन थ्रू क्वालिटी लर्निंग वॉज मोर एम्फासाइज्ड. देन कोथरी कमीशन के बाद जो आया वो एनपी यहाँ बोल रहा है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वो बोल रहा है कि जो जो भी स्टूडेंट्स है इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास क्रीड लोकेशन सेक्स बेसिकली ये पॉइंट बोला है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में. जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सबको मिलना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड लोकेशन एंड सेक्स. द पॉलिसी रिकमेंडेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL फॉर ऑल सब्जेक्ट एट प्राइमरी लेवल. पॉलिसी ऑल्सो रिकमेंड किए थे NPE दैट MLL दैट इज मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग फॉर ऑल सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग रिकमेंड किए थे प्राइमरी लेवल में. एंड इन 1992 MLL वॉज आइडेंटिफाइड एट नेशनल लेवल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेजेस 1992 में. उसके बाद जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग था वो नेशनल लेवल में आइडेंटिफाई हुआ जैसे कि फॉर ओनली मैथमेटिक्स को उसमें इंक्लूड किया गया प्राइमरी स्टेज में क्योंकि बिफोर नहीं था प्राइमरी स्टेज में. चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच वॉज सजेस्टेड एंड रिफॉर्मेशन स्टार्ट्स इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स. द मैथमेटिक्स करिकुलम फॉर दैट टाइम वाज बोला कि जो चाइल्ड सेंट्रिक जो उसके बाद जो 1992 के बाद ये जो एजुकेशन सिस्टम हो गया हमारा चाइल्ड सेंट्रिक एंड जो मैथमेटिक्स में जो करिकुलम था उस टाइम वो था लोअर प्राइमरी लेवल में था अरिथमेटिक व्हिच कंसिस्ट ऑफ नंबर फोर ऑपरेशन सिंप्लीफिकेशन मनी मेट्रिक सिस्टम रीडिंग क्लॉक बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट. ये सब्जेक्ट सब था लोअर प्राइमरी लेवल में. अपर प्राइमरी लेवल जो बोलते हैं क्लास बी से बी सेकेंड आई कक्षा 5 से 7 तक उसमें नंबर था फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन मनी मेजरमेंट आइडिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिक टर्म कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज यूनिटरी मेथड सिंपल इंटरेस्ट रेशियो प्रोपोर्शन.
देन हमारा आया सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल जो होता है वो क्लास 8 से क्लास 10 तक, बी थर्ड आई टू एक्स। उसमें क्या था, जनरल मैथमेटिक्स वॉज कंपल्सरी इन आवर स्टेट फॉर ऑल चिल्ड्रेन, बट इन एडिशन एडवांस मैथमेटिक्स वॉज देयर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में जो जनरल मैथमेटिक्स था वो कंपल्सरी था सबके लिए, और जो एडवांस मैथमेटिक्स था एज ऑप्शनल था। देन जनरल मैथमेटिक्स करिकुलम वॉज कंसिस्ट ऑफ, जो जनरल मैथमेटिक्स था उसमें क्या था, नंबर सिस्टम, सेट, अलजेब्रा, इक्वेशन, फैक्टर्स, मेंसुरेशन, थियोरम, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, डिस्काउंट, शेयर, ग्राफ्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री स्टैटिस्टिक्स। ये जो सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स में आ रहा था, एंड एडवांस मैथमेटिक्स में था फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंडिसेस, लॉगरिथम, इनइक्वालिटी एंड इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, प्रूफ्स एंड एप्लीकेशन। सो उस टाइम में क्या हो रहा था, मैथमेटिक्स तो टू पार्ट में डिवाइड किए थे, जैसे कि जनरल मैथमेटिक्स एंड एडवांस मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स जो था वो कंपलसरी था, एंड एडवांस मैथमेटिक्स ऑप्शनल था। एंड ये जो सब्जेक्ट है उसमें जनरल मैथमेटिक्स आ रहा था, और एडवांस मैथमेटिक्स में ये सारे सब्जेक्ट आ रहा था। तो दोस्तों ये था टोटल बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल मैथमेटिक्स, जैसे कि मैं बोली प्री इंडिपेंडेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या था, एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है करिकुलम रिफॉर्म का, मतलब हम क्यों नीड करते हैं करिकुलम रिफॉर्म, क्यों करना चाहते थे। तो ये था ऑब्जेक्टिव एंड बैकग्राउंड। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है उसका, एनसीएफ क्या क्या है करिकुलम रिफॉर्म के बारे में, एंड आटी, यह हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।